दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे काउंटर्स के बारे में। जिस तरह से टाइमर का यूज़ किसी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए किया जाता है, उसी तरह से काउंटर भी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अब बेसिकली काउंटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर काउंटर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर काउंटर। यहाँ पर सॉफ्टवेयर काउंटर से मतलब PLC प्रोग्राम में यूज़ होने वाले काउंटर से है। अब देख लेते हैं हार्डवेयर काउंटर का यूज़ कहाँ और क्यों करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मशीन के डेली प्रोडक्शन का डाटा डिस्प्ले किया गया है। असल में ये एक हार्डवेयर काउंटर के द्वारा ही पता चलता है। अब यदि बात करें कि काउंटर काम कैसे करता है, तो काउंटर को किसी भी प्रॉक्सिमिटी स्विच, लिमिट स्विच या किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक स्विच से इनपुट मिलता है और जितनी बार इनपुट मिलता है काउंटर उसे काउंट करके वैल्यू को डिस्प्ले करता है और हम पर शिफ्ट या पर डे प्रोडक्शन का आसानी से पता कर सकते हैं। इस काउंटर में रीसेट करने के लिए भी एक स्विच होता है जिसे प्रेस करके काउंटर रीसेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हार्डवेयर काउंटर से ही पार्ट काउंटिंग के बारे में पता चल जाता है, तो PLC प्रोग्रामिंग में काउंटर क्यों यूज़ करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक बिन है, बिन के अंदर कोई पार्ट या जैसे कि मान लेते हैं बिस्किट के पैकेट इन बिन के अंदर लोड हो रहे हैं। अब हमें इस बिन में 20 पैकेट लोड करने हैं, उसके बाद दूसरे बिन में लोड करने हैं। मान लिया जाए कि एक शिफ्ट में 1000 बिस्किट के पैकेट लोड करते हैं, तो हमें एक शिफ्ट में 1000 बार काउंटर को रीसेट करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर काउंटर की जगह PLC का यूज़ करके इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर और भी कई तरह की कंट्रोलिंग कर सकते हैं, जैसे बिन भर जाने पर कन्वेयर मोटर को बंद करना या अलार्म जनरेट करना, जिससे हमें ये पता चल जाए कि बिन बॉक्स भर चुका है या नहीं। साथ ही साथ पर शिफ्ट प्रोडक्शन या डेली प्रोडक्शन के बारे में भी हम पता कर सकते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं डेल्टा PLC में काउंटर कितनी तरह के होते हैं, उसके बाद हम PLC प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे। यदि डेल्टा PLC में टाइप्स ऑफ काउंटर की बात करी जाए, तो इसमें 16-bit काउंटर अप, 32-bit काउंटर अप डाउन, 32-bit हाई स्पीड काउंटिंग अप डाउन, ठीक है ना। काउंटर दो टाइप के होते हैं, एक अप काउंटर होता है और एक होता है डाउन काउंटर। यहाँ पर देखिए C0 से C95 तक नॉन लेच काउंटर है, C96 से C99 तक लेच काउंटर है। जिस तरह से लेच टाइमर होते हैं उसी तरह से लेच काउंटर भी होते हैं और नॉन लेच काउंटर भी होते हैं। C200 से लेकर C215 तक नॉन लेच टाइमर है 32-bit में, और C216 से C234 तक लेच टाइमर है 32-bit, ये अप डाउन काउंटर है, ठीक है, अप और डाउन दोनों फंक्शन हैं इनमें। इसके बाद 32-bit हाई स्पीड काउंटिंग अप डाउन काउंटर है। ये जो हाई स्पीड काउंटर होते हैं ये ज़्यादातर इनकोडर एप्लीकेशन होते हैं या जो फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशंस होती है वहाँ पर काउंटिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं। जो बेसिक PLC प्रोग्रामिंग होती है वहाँ पर नॉर्मली 16-bit काउंटर या ज़्यादा से ज़्यादा 32-bit अप डाउन काउंटर ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और यदि 32-bit हाई स्पीड काउंटर की बात करें तो ये लेज काउंटर होते हैं। अब चलते हैं PLC प्रोग्रामिंग की तरफ। दोस्तों किसी भी PLC की प्रोग्रामिंग करने से पहले उसका मैनुअल डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। PLC के मैनुअल से ही हमें पता चल पाता है कि उसमें जो टाइमर या काउंटर्स या और भी मेमोरी बिट या और कोई डाटा रजिस्टर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से, किस वैल्यू से किस वैल्यू तक, किस किस तरह से होते हैं, जैसे कि लेच, नॉन लेच और डेल्टा DVP SV PLC का मैनुअल कैसे डाउनलोड करना है, उसकी डिटेल मैंने टाइमर के एक वीडियो में बताई हुई है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और वहाँ से इस डेल्टा PLC के मैनुअल को डाउनलोड कर लें। देखिए पहली कंडीशन है, कोड ए सर्किट सच दैट व्हेन X1 इज प्रेस वन टाइम Y1 शुड बी ऑन। जब X1 को एक बार प्रेस करें तो Y1 ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना है X1, एक इनपुट है X1, इसको एक बार प्रेस करने के बाद Y1 आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो नॉर्मली जब हम प्रेस करेंगे तब भी वो आउटपुट ऑन हो जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक काउंटर यूज़ करेंगे। देखिए काउंटर के लिए लिखना है CNT स्पेस C0 स्पेस 1। देखिए जो C0 काउंटर है ये C0 16-bit काउंटर है और नॉन लेच काउंटर है,
इसकी वैल्यू 1 है, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तब ये काउंटर अपना आउटपुट देगा। ठीक है, एक नेटवर्क ऐड करना है, लिखना है एल डी सी ज़ीरो आउट वाई वन, वाई वन, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन देखिए, कोड ए सर्किट सच दैट व्हेन एक्स टू इज प्रेस टू टाइम वाई टू शुड बी ऑन, जब एक्स टू को 2 बार प्रेस करें तब वाई टू आउटपुट ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। एक नेटवर्क ऐड करना है एल डी एक्स टू सी एन टी सी ज़ीरो सॉरी सी वन, इस काउंटर की वेल इस काउंटर की एड्रेसिंग हम सी वन लेंगे, सी एन टी सी वन स्पेस टू, जब इस काउंटर की वैल्यू 2 होगी तब एक आउटपुट जनरेट होगा और एल डी सी वन से एक आउटपुट ऑन होता है आउट वाई टू। ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए इसको सी वन लिख लो, इसको सी टू, यहाँ भी सी टू, ठीक है, और यहाँ पर भी सी टू, सॉरी वहाँ पर सी वन लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सी वन, सी वन से हमें वाई वन ऑन कराना है, सी टू से वाई टू और सी थ्री से वाई थ्री ऑन कराएंगे। एक नेटवर्क ऐड करना है, कोड ए सर्किट सच दैट व्हेन एक्स थ्री इज प्रेस 3 टाइम वाई थ्री शुड बी ऑन, जब एक्स थ्री स्विच को हम 3 बार प्रेस करें तब आउटपुट ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखना है एल डी एक्स थ्री सी एन टी सी थ्री स्पेस 3, काउंटर नंबर 3 की वैल्यू जब 3 होगी तब वो एक आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। एक नेटवर्क ऐड करना है एल डी सी थ्री आउट वाई थ्री। अब इस प्रोग्राम को एक बार ऑनलाइन करके देखते हैं और चेक करके देखते हैं कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम सही बना है या नहीं। सबसे पहले कंपाइल द प्रोजेक्ट, सॉरी ड्राइवर ऑन करना पड़ेगा। रन, यस, एक बार इस फंक्शन को ऑन करना है। देखिए, जब एक्स वन को प्रेस करता हूँ 1 बार तब सी वन की वैल्यू 1 होती है और 1 होने के बाद ये आउटपुट जनरेट करता है वाई वन, ऑन हो जाता है 1 ही बार में, ठीक है ना। लेकिन जब एक्स टू को प्रेस करता हूँ 1 बार, अभी पहले देखिए यहाँ पर सी टू इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। अब मैं एक्स टू को 1 बार प्रेस करता हूँ तो सी टू की वैल्यू 1 हो जाती है, इसको फिर से रिलीज कर दिया, फिर 1 बार और प्रेस करूँगा तब सी टू की वैल्यू 2 होगी और 2 होने के बाद वो वाई टू आउटपुट को ऑन करती है, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए, जब सी थ्री को ऑन करता हूँ, सॉरी यहाँ पर एक्स थ्री लेना पड़ेगा, जब एक्स थ्री को ऑन करता हूँ 1 बार तब सी वन की वैल्यू 1 होती है, फिर इसे रिलीज़ कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर से 1 बार प्रेस करूँगा तो फिर काउंट हो जाएगा 2, यहाँ पर काउंटर ने 2 काउंट किया है लेकिन वाई थ्री अभी ऑन नहीं हुआ है क्योंकि सी थ्री इज इक्वल्स टू 2। जब सी थ्री की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पर हमने इस वैल्यू 3 डाल रखी, जब ये वैल्यू इसके इक्वल टू होगी तब ये आउटपुट ऑन होगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसे फिर से मैं ऑफ़ करता हूँ, अब यदि एक्स थ्री को ऑन करता हूँ तो वाई थ्री ऑन हो जाता है, मतलब काउंटर सही काम कर रहा है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम सही था। सो दोस्तों, ये था काउंटर से रिलेटेड एक बेसिक, एक छोटा सा प्रोग्राम। आने वाले वीडियोस में हम काउंटर विद कंपैरिजन, काउंटर के कई सारे टाइप के प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।